बर्तन घिसने की आवाज आ गई थी, मैं तभी उठ गई, मैं कहा चलो आज चाय ये बना रहे हैं, चायदान सब अचानक नींद खुल गई कि बर्तन बच रहा है, आज मुझे चाय पीने को मिलेगी, नींद से भी आदमी को जगा देता है। कितना एक्सपेरिमेंट, आप तो बैग भी बना सकते हो इतने अच्छे अच्छे, है ना, आपको पता हो गया ना टायर कैसे खुलते हैं इसके। मतलब अलमारी सिर्फ, अलमारी में कपड़े सिर्फ तय करके रखते हैं, सब कपड़े दिखाने दे, खाली हुई अलमारी खाली हो गई, मुझे लगा तू सारे कपड़े लेके जा। अभी बेकार है, प्रगति पे है, वो जो टायर निकाले थे ना वो अब लगाने की, दोबारा एक दूसरा काम लगाना भी पड़ेगा। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, गुड मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। आज है 25 तारीख, यहाँ पर आज क्रिसमस लग चुका है। जैसे पुराना वाला, मतलब इससे पहले वाला जो ब्लॉग था वो हम लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने गए थे, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। और सुबह सुबह आके एकदम ऐसा वाला झटका लगा है, एकदम पूरा सफेदी छा गई है। आप सुबह का मौसम देख लीजिए, अभी सुबह का 8 बज रहा है, लेकिन 1% पता नहीं लग रहा है कि 8 बज रहा है, जरा सी भी सूरज की किरण नहीं दिख रही है और पूरा सफेदी छा गई है। बाहर का मौसम पहले आप देख लो, इधर देख रही तो ऐसा लग रहा है ओहो ऐसी काली काली आंखें। कल काजल वाजल लगाया था तो एकदम पूरा मैसी, धुलने के बाद भी ना काजल वाजल ढंग से क्लीन नहीं होता है, कभी कभी आंखें एकदम काली सी लगती है। कोई बता सकता है कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं स्पेस में रहती हूँ या कहाँ रहती हूँ, पता नहीं। देखिए ये है कनाडा का पुराना, मतलब एकदम ऐसा वाला मौसम विंटर टाइम का, जो किसी भी टाइम चाहे वो दिन हो चाहे रात हो, मौसम एकदम छा जाता है पूरा फॉग वाला, और बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है एकदम दूर दूर तक, नीचे का गार्डन भी ढंग से नहीं दिख रहा है और बिल्डिंग तो सामने की बिल्कुल गायब हो गई है। तो आज का प्लान है कुछ अच्छा सा बनाऊंगी, ऑब्वियसली बात है आज मंडे है, छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, कल बॉक्सिंग डे है, चार दो दिन तो ऐसे निकल के पता नहीं चला। और पता है आपको जो मैंने परसों दिखाया था कि वो अलमारी के जितने कपड़े थे थोड़े बहुत मैंने लगाना स्टार्ट किया, फिर सदी ने फिर से गिरा दिए। तो मैंने कल का दिन तो हम बाहर चले गए थे, सारा खाना वाना प्रिपेयर किया, रात में हम लोग वहाँ से डिनर करके करीबन 8 बजे तक घर आए हैं, इसके चक्कर में कल तो वो रह गई अलमारी। आज मैं सोच रही हूँ पूरा अलमारी लगाने के लिए और थोड़ा सा बैग पैक करने के लिए, वो पूरी अलमारी एज इट इज़ कपड़ों की भरी पड़ी। मैंने कहा तुम एक साथ एक जगह रखो, एक जो ऊपर मेरी ओपन वाली क्लॉजेट है उसमें मैंने सारे कपड़े घुसा दिए, अब आराम से एक एक करके तय करके सबके साथ मिल के कराऊँगी, लगाऊँगी, और साथ साथ जो ले जाने वाले कपड़े हैं वो भी मैं पैक करती रहूँगी। सही घुसा रहे हैं इसके बैग के अंदर, देखो अलमारी का हाल हमारे स्वदी ने क्या किया है, अभी सब सामान सेट किया जा रहा है। और हाँ तो सेटिंग है ही है गड़बड़ अलमारी, और वैसे भी पैकिंग खोल रखी है, देखो ये गया बैग, अभी सब थोड़ा सेट किया जा रहा है ताकि किस में ले जा सकते हैं, कितने बैग ले जा सकते हैं, अभी ये भी डिसाइडेड नहीं हम लोग का। और मैंग जी लग चुके हैं काम पे, थोड़ा सा यूटिलाइज़ कर रहे हैं टाइम को आज छुट्टी को। मेरा तो जैसे मैंने उस दिन आपको बताया था ये बैग में रख दिए हैं सामान, इसको अच्छे से सेट किया जाएगा, अभी ऐसे ही रख दिया था। ये वाली तुम्हारी सूट की पैंट है, ये नई सिलवाई है वो है, और इसी तरीके की तो सारा सूट वाली भी है जो तुम्हारा थ्री पीस है, वो डार्क है, वो पैंट नहीं लाए हो, वो शर्ट लाए हो सिर्फ पिंक, देखो वो गई, वो कोने में जो पिंक शर्ट है ना वो वाली तुम्हारी, वो गई, वो फॉर्मल उसकी वाली थ्री पीस वाली, हाँ वो वाली देखो ये कितना अच्छा बाजार लगा हुआ है। चलो ये तो बैठ रहे, सारा फैला हुआ है, अब देखती हूँ आज ये कब तक समेटा जाएगा। हम जा रहे हैं थोड़ा, अभी नहाए नहीं है, 11 बज रहा है, सुबह से इसी काम में लगे हुए हैं, और सदी के लिए थोड़ा सा उसको अनईजी सा हो रहा था, मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी खिचड़ी मूंग की दाल के बना देती हूँ हरी वाली। जैकेट वगैरह में अगर कोई जैकेट जाएगी तो रख लो, और बाकी इनमें से कुछ फॉर्मल वगैरह रख सकते हैं। देखो ये पहने भी नहीं गए और ये अभी तक रखे, और इनको रख के आ जाना इंडिया वापस, इंडिया रख के आएंगे। आपको ऑफिस तो जाना जाना होता नहीं है, नहीं तो एक दो रखना ना, बहुत सारे फॉर्मल है। सोना दो अच्छा, हाफ स्वेटर तो रखोगे, ये गए हाफ स्वेटर, ये तो कोई काम का नहीं है हाफ स्वेटर, रहने दो। शोना प्लीज प्लीज यार, मेरी बात सुनो, तुम मानते क्यों नहीं, प्लीज प्लीज शोना प्लीज, बात नहीं माना करो मेरी बात, रहने दो मेरी हाफ स्वेटर है, रहने दो। तीन दो या तीन हाफ स्वेटर कोई पॉइंट नहीं है, नहीं तुम पहनोगे भी नहीं, प्लीज मुझे नहीं बढ़ाना, 15 किलो ही रखना है। वापस कर आएंगे ना, 15 किलो तो ठीक है। एक्चुअली ये सवाल हो रहा है हमारा, क्योंकि हम लोगों को जैसे ही हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे, अभी तो यहाँ से वेट ले जा सकते हैं 23 किलो, उतना सामान हम लोगों के पास है भी नहीं, और उसके बाद हम लोग को कोलकाता जाना है, तो कोलकाता में जो डोमेस्टिक फ्लाइट है उसका वेट रहेगा लगेज का 15 किलो, तो हम लोग यहाँ ही से ही 15 किलो ही पैक करके ले जा रहे हैं, सो दैट हम वहाँ से ट्रांसफ़र कर पाएँ आगे, मतलब आगे डोमेस्टिक फ्लाइट के लिए भी, मतलब कन्वीनियंट हो थोड़ा सा, ऐसा ना हो कि बहुत ओवर वेट हो, उसके चार्जेस देने पड़े, क्योंकि सिर्फ 2 या 3 दिन का काम है हम लोग को,
दो दिन का ही है, दूसरे दिन तीसरे दिन तो शायद हम लोग निकल आएंगे वहाँ से, तो इसीलिए उस हिसाब से पैकिंग हो रही है। तो जितना सामान कम ये रख रहे हैं ना, उस इसीलिए प्लान कर रहे हैं कि 15-15 किलो से ऊपर ना हो जरा भी, बिल्कुल भी। ये साइज और ये साइज एक ही है मुझे लग रहा है। ये वाला जो लास्ट में लिया था, ये हम लोगों ने जो लिया था बड़ा ही सही तो है, लेकिन ये आ नहीं पाएगा किसी में, क्योंकि ऑलमोस्ट ये वाला सब सेम ही है साइज। तो क्या करना है, चार तो हो जाएंगे शो ना बैग। व्हील्स है ना, व्हील्स अगर मोड़ की वजह से ये दिक्कत हो रही है, खुल जाएगा, ये खुल सकता है। क्या बात कर रहे हो यार, सुना रहने दो, खुल जाएगा तो हम बोले हैं वाला। ये वाले वैक्यूम बैग बहुत काम आए थे हमारा सामान लेके आने में। इसके आगे कुछ नहीं था, आगे हाँ कैप उसमें होगा। ये गया इसका पंप और ये गया वैक्यूम बैग्स। ये 3 या 4 साइज के थे, ये बहुत काम आया था, ये तो जाएगा ही जाएगा हम लोग के साथ। लिया ऐसा बैग्स का जुगाड़ लगाया जा रहा है, किसी का कुछ वेट की वजह से। अगर वेट का चक्कर ना होता तो आराम से कैसे जैसे मर्जी जिस बैग में जितना सामान भरना है भर के ले जाओ, क्योंकि 23 किलो तो वैसे भी नहीं हो पाता वो। वाह, सारे के सारे पहिए खोल दिए, पूरा खोखला हो गया यहाँ से। बंद क्यों नहीं हो रहा, बंद तो हो जाना चाहिए। उसको खोलो ना, वो जिप को ऐसे खोलो तो शायद घुस जाएगा, वाली जिप है उसे खोलो एक बार। अब घुस जाएगा मेरे हिसाब से, जब वो आ चुका है अंदर तो आ जाएगा वो अंदर। इस वजह से नहीं जा रहा क्योंकि बोल रही हूँ मैं, मानते नहीं हो। ही यहाँ से देखो, ये जो कॉर्नर निकला है ना, इसकी वजह से ये देखो नहीं घुस रहा है, बाकी उधर से सब घुस चुका है। ये मुझे नहीं लगता आएगा। हाँ लगा दो भाई, इसमें लगा दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लगा दो उनमें पहिए लगा दो। अब जितने जैसे होगा देखा जाएगा। नहा के आ गई हूँ और पूजा वूजा भी हो गई है, खिचड़ी चढ़ा दी है मैंने। आज सोचा खिचड़ी बना दूँ, बाहर का भी देखो ऐसा है सफ़ेद एकदम, पूरा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और ज़्यादा कोहरा बढ़ गया है। और अभी बज रहा है 12:30, तब भी ये क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन जैसा हम लोग छुट्टियों को प्लान किया था, जैसे आपको पता है कि हम लोग इन्हें जा रहे हैं और 16 तारीख की हम लोगों की फ़्लाइट है, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं हम लोगों के पास, इसलिए तो सोच रहे थे जैसा जैसा प्लान किया उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो आज हम लोगों का 25 तारीख का जो भी, मैं बहुत सोच रही थी कि मैं क्या क्या लेके जाऊंगी, कैसे करना, लेकिन आज बैंक साथ में है तो पैकिंग का ऑलमोस्ट काम हो जाएगा। मतलब कपड़े जो है एज इट इज़ भर दिए, प्रॉपर पैकिंग नहीं हुई है, वो लास्ट टाइम में ही होगी। बस ये कि बैग में जो ले जाने वाला सामान है वो भर दिया है, खाना वाना हो जाए उसके बाद करीबन 2 घंटे लगेगा तय करके सारी अलमारियाँ मुझे फिर से सेट करने में। जुगाड़ काम नहीं आया बिल्कुल, छोड़ो कोई बात नहीं, इतना मत सोचो। अब इसमें इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। इस वाले में 2 व्हील है हमारे, और ये वाला बैग के निकालने के बाद भी इसके अंदर नहीं आया, तो इसलिए लीव। ओह ऐसे क्या कर रही हो बाबू, ये मेरी छुटकी, आज मज़े में थोड़ा सा। हाँ आवाज़ थोड़ा सा बोल के देखा। अच्छा राधे राधे कर दो एक बार बोल दो राय। बस तुम्हारी आवाज गई अभी, तू इसकी आवाज थोड़ी सी बैठी हुई है, इसकी वजह से कैसे वजह। हाँ बेटा अभी फ्रूट्स अभी खाएंगे, रुको आपके लिए खिचड़ी, इसके लिए खिचड़ी बनाई है, वो भी मूंग दाल वाली, हरी वाली दाल आती है ना उसकी। हाँ बेबी चलो, बज रहा है यहाँ पर 1 बजने वाला है, काम करते करते अभी मैंने भी अपने लिए खिचड़ी बना ली, सभी के लिए सेपरेट दाल वाली खिचड़ी बनाई है हम लोगों ने, मिक्स सब्जियां वगैरह डाल के बनाई है। पर पहले मैं अरहर की दाल डाल के बनाती थी, तो थोड़ी सी हैवी हो जाएगी पचने वचने में, मैं सोच रही हूँ इसके लिए हल्की मूंग की दाल की खिचड़ी बनाई है ना मेरा बेटू। आई ओके सदी, आई ओके? ओहो बाबा केफो जाओ थोड़ी देर, आज इनको थोड़ा सा पैम्पर कर रहे हैं क्योंकि इनकी तबीयत ढीली है ना, पिटी भी चल रहा है बाहर। मैंने अभी टेबल को ना डाइनिंग टेबल को क्लीन करके और ये कंबल धोया था, तो इसको थोड़ा सा सुखाने डाल दिया, जैसे नॉर्मल वॉशिंग मशीन में ड्राई हो जाता है ना, एकदम पानी नहीं निचोड़ रहा है, एकदम फुल ड्राई हो गया, बस थोड़ा सा हवा लगेगी तो एकदम सूख जाएगा। वैसे भी घर ना विंटर के टाइम इतना ज़्यादा गर्म रहता है हीटिंग का, कि थोड़ी सी देर भी अगर कपड़े हल्के गीले हैं और डालो तो मुश्किल से आधा घंटे के अंदर पूरे एकदम ड्राई हो जाते हैं।
बन गई एकदम गर्मा गर्म खिचड़ी रेडी है। अब मैं भोग लगा के आती हूँ। बच गया यहाँ पर डेढ़ खाना बनाते बनाते करते करते, और अभी भी कार्य प्रगति पे है। वो जो टायर निकाले थे ना, वो अब लगाने की दोबारा एक दूसरा काम लगाना भी पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट हो चुका है, एक बचा है, क्योंकि उसे लेके जाना है तो ऑब्वियस बात है बैग को तो खराब कर नहीं सकते इसकी वजह से। तो अभी भोग लगा देते लेके जाते हैं। ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम। सोना खाना टाइम। चार तो तीन लग गया है, चौथा रह गया, रखो लगवाती हूँ मैं। अभी खाना रख देती हूँ यहाँ पे, भूख लग रही है भाई बहुत ज़ोर की। हाँ ये एक दो तीन और ये चार, एक दो तीन चार, ये चारों के चारों लग गए हैं, ये टाइट हो चुके हैं। कितना एक्सपेरिमेंट, आप तो बैग भी बना सकते हो इतने अच्छे अच्छे, है ना? आपको पता हो गया ना टायर कैसे खुलते हैं। अभी ऐसे ही है, ये लास्ट तक समेटूंगी मैं, मुझे लगता है शाम हो जाएगी ये काम करते करते। ये इसमें एक बैग था ना, वो मेरे मेकअप बॉक्स का एक वो क्लिप थी उसकी, वो अंदर है मेरा मेकअप बॉक्स वाला। वाह बैग, अब चला के देखो इसे थोड़ा व्हील स्टैंड खड़ा करके। हाँ सही तो घूम रहा है, सही तो घूम रहा है इसको चक्के। आ हा हा, क्या बात क्या बात। काम हो गया इसी के अंदर, दो घंटे निकल गए क्योंकि पहले निकाला उसका टायर और उसके बाद उसे फिक्स किया। अभी खाना खाते हैं, उसके बाद में समेटने में लगेंगे। रस्क खाओ शांति से बैठ के, ठीक है? हाँ चाय बनाइए। आज तो मिल गई मुझे शुगर, बनाओ चाय। मैं सो के उठी हूँ, आज चाय बना रही। मेरे को बर्तन घिसने की आवाज आ गई थी, मैं तभी उड़ गई। मैं कहा चलो आज चाय ये बना रहे हैं, चाय दान साफ हो रहा है। नींद खुल गई कि बर्तन मच रहा है, आज मुझे चाय पीने को मिलेगी। नींद से भी आदमी को जगा देता है ऐसी आवाजें। अरे कसम से मैं नींद में थी, मैंने टाइम नहीं नहीं सपना देख रही थी। नहीं हम सपना नहीं देख रहे थे, कसम से बता रही हूँ। मैं ऐसी उठी हूँ कि आज बहुत अच्छी नींद आ गई। सदी को सुलाते सुलाते सदी सोने नहीं जा रही थी, बड़ी मुश्किल से सोई और उसके साथ साथ मैं भी सो गई। गोद में सुलाया आज उसे, सो ना पता है आपको, सो नहीं रही थी आज वो। और अभी उठी हूँ मैं 6:30 बजे। आज तो वही बाप रे, आज बहुत बहुत छोटे बच्चे बचपन में जैसे सोती थी ना ऐसा परेशान किया, नहीं सो रही थी आज। आज मैं भी सो गई, 6:30 बजे उठी तो देखा चलो भाई चाय तैयार है, देख लीजिए इतनी अच्छी चाय आज बनी है। कभी कभार ज़्यादा तारीफ हो जाती है तो बेकार भी चाय बनती है इनसे, लेकिन कब अच्छी बना देते हैं। और इसके साथ चल रही है समोसे और मठरी। और अभी जो अलमारी का काम था वो एजेटिस पड़ा हुआ है, भगवान जाने कब होगा। हम सोच रहे हैं आज तो करके आज ही होगा। हाँ आज ही होगा, आज ही होगा, आज ही होगा। आज मैंने फ्रंट किया तो आज ही करूँगा, देखती हूँ। आप लोग भी देखिएगा कि आज के ब्लॉग में डालूंगी मैं या कल के ब्लॉग में, देखते हैं। मेरे को भी करना है एक्चुअली अलमारी, मतलब अलमारी सिर्फ अलमारी में कपड़े सिर्फ तय करके रखे। सब कपड़े दिखाने दे, खाली हुई अलमारी खाली हुई, मुझे लगा तू सारे कपड़े लेके जा रखू क्या, मुझे समझ नहीं। मैं बोल तो रही थी, मैं बोल रही थी क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आया। इधर से उधर नहीं, आपने ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, ये भी रख लूँ, वो भी रख लूँ करके मैं कह रही हूँ अलमारी साफ हो गई है इनकी ऊपर वाली, देखा तो उसमें दो चीज पड़ी है, शॉर्ट्स पड़ी है और एक दो टी शर्ट पड़ी है, बाकी सब कुछ बैग के अंदर जा चुका है। यहाँ पे रहने के लिए मैंने खरीदा है क्या? नहीं नहीं यार, उसमें से भी छटाई करनी पड़ेगी, इसीलिए तो आपकी अलमारी साफ लग रही है, क्योंकि उसमें बचे ही मुश्किल से 6-7 कपड़े हैं, बाकी सब आपने गुजार लिया अंदर। पूरा सब सामान जो फैला हुआ था वो हमने समेट दिया है, रात का बज रहा है 10:30, सदी भी जग रही है, पूरा काम निपटाया है, बेड क्लीन किया है और अलमारी देख लो
यहाँ पर सब पूरा फैला हुआ था, ये अलमारी लग चुकी है, ऊपर भी लग चुकी है और सारे बैग हम लोगों ने लगा के रख दिए हैं। काम करते करते थोड़ा सा ब्रेक लिया, खाना खाया, उसके बाद ब्रेक लेने के बाद में आज ऑलमोस्ट जैसे प्लान किया था उस हिसाब से सारा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। सबसे स्पेशल जो था, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक जगह अरेंज करके रखना और वो सब सेपरेट बैग में रख देना। तो स्वदी का एक अलग बैग है, मैं इनका अलग है, मेरा अलग है, वो काम हम लोगों ने कर दिया है। अब व्लॉग ज्यादा लंबा ना करते हुए मैं व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, कल मिलूंगी नई व्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वदी इज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।